पहले तो हम प्लांट के थ्रू काम करते थे और हमको 15,000 रुपये सैलरी मिलती थी। तो ठेका चेंज होने के बाद ठेकेदार आया, ठेकेदार बोलिया बोला ये सभी को 12,000 रुपये तनख्वाह दूंगा और कोई रेस्ट नहीं। उसमें तो भी वो 12,000 रुपये नहीं दे रहा, पूरे 27 करते हैं तो उनकी 8,000 रुपये तनख्वाह है। करना तो करो नहीं अपने घर जाओ, इसी साहब ने हमारे पास कहा था। तो ठेकेदार ऐसे बोलता है कि सभी का गेट बंद हो जाएगा और सभी को नौकरी से निकालने की बात कहता है। तो के नाम जो ठेकेदार का बंदा है उसने कह दिया गेट बंद कर दिया तेरा और अपना घर पर रहना। दिक्कत है दिक्कत, बाड़ा ही बाड़ा मैंने तनख्वाह कर क्या कह दूँ, शायद दिन 6 महीने हुए हैं मेरी ने। आपका नाम? मोहित। मोहित जी कहाँ पर काम करते हैं? पिट्टा मिल्क प्लांट के अंदर काम करते हैं हम सभी। क्या काम करते हैं और कितना टाइम? प्रोडक्शन के पद पर हम कार्य करते हैं सभी ऐसे भी। हमने कम से कम 5 वर्ष हो गए हैं। क्या दिक्कत है? हमारी दिक्कत है जी, पहले तो हम प्लांट के थ्रू काम करते थे और हमको 15,000 रुपये सैलरी मिलती थी। उसमें हमारी 14,500 रुपये तनख्वाह जाती थी, 13.5 और 4 रेस्ट थे हमारे, हम सभी को 4 रेस्ट मिलते थे। और 4 रेस्ट मिलते थे तो उन्होंने बोल दिया बोला ठेका चेंज हो गया। तो ठेका चेंज होने के बाद ठेकेदार आया, ठेकेदार बोलिया बोला ये सभी को 12,000 रुपये तनख्वाह दूंगा और कोई रेस्ट नहीं। और तो ठीक है सभी काम करने लग रहे थे तो उन्होंने न तो को 4 रेस्ट दिए हैं और 12,000 रुपये देने लिए बोल रहा था। उसमें तो भी वो 12,000 रुपये नहीं दे रहा, पूरे 27 करते हैं तो उनकी 8,000 रुपये तनख्वाह है। और मान लो लेकिन 4 रेस्ट हो गए तो फिर भी 10,000 दवाने चाहिए, 4,000 कट गया, पीएफ ला लो 4,000, इतना पीएफ नहीं कटता हमारा, 300-400 रुपये हमारा सभी का पीएफ कटता है। और फिर ये कौशल विभाग में लिए गए बंदे, कौशल विभाग के अंदर लिए गए तो हम कुल 70 बंदे थे, कुछ बंदे ले लिए कौशल विभाग के अंदर। और अभी तक ये जितने बंदे सारे दिख रहे हैं 6-6, 7-7 साल हो गए काम करते, ये अभी तक नहीं तो कौशल विभाग के अंदर लिए गए हैं। और कम से कम 30-35 कर्मचारी हैं जो कि कौशल योजना के तहत नहीं लिए गए हैं। और जो हमारे सामने आए थे जिन्होंने 1 साल हो गया था लगे, वे कौशल विभाग के अंदर लिए गए हैं। और पुराने कर्मचारी अभी तक नहीं लिए हैं, कुछ लिए हैं कुछ नहीं लिए हैं। हाँ कुछ अप्रोच भी है जो उन्होंने लिए हैं, अप्रोच तो नहीं है वैसे काम करे थे कौशल विभाग के अंदर। बोल रहा था ठेकेदार कम से कम 2 वर्ष हो गए जी ठेकेदार ने बदले जी, अप्रैल तो बदला था जी, ये अप्रैल में उसका ठेका चेंज हो जाए जी, 2021 में आता जी उसका ई वी ओ नो मैटर है जी। और जी कितने ये सी ओ विंडो में हमने दरखास्त की रखी है और लेबर कोर्ट में भी जी। और अब जैसे जो जैसे ही आ रही हैं सभी कोर्ट के अंदर तो ठेकेदार ऐसे बोलता है कि सभी का गेट बंद हो जाएगा और सभी को नौकरी से निकालने की बात कहता हूँ सभी। ठेकेदार का नाम क्या है? ठेकेदार का नाम है जी राजेश डांडा। आपका नाम? राहुल शर्मा। कहाँ काम करते हैं, कितना टाइम हो गया? विट्टा प्लांट में। कितना टाइम हो गया? मैंने 5 साल हो गए जी। क्या काम करते हैं? प्रोडक्शन में। क्या दिक्कत है? सैलरी जी, सैलरी की दिक्कत है। सैलरी 12,000 रुपये मेरी हमारी थी मार्च अप्रैल में 2 महीने 2021 में आई थी 15,100। उसके बाद हमारी तनख्वाह नहीं, ठेकेदार ने मतलब पीस मिल में ले दिए तो 12,000 रुपये और कोई रेस्ट नहीं। अब पहले बाद में बोला 4 रेस्ट हैं, वो रेस्ट भी नहीं दे रहा। अगर अब तुम्हें 2 रेस्ट कह रहा है, रेस्ट यानी कि छुट्टी? हाँ छुट्टी। अगर प्लांट में काम नहीं है 12,000 रुपये, अब मेरे आए हैं 26 हजारी थी, मेरे से 6,002 रुपये आए हैं। हाँ तो देख लो 12,000 रुपये में 6,000 रुपये आए मेरे पास सर, पी एफ के कटता है 452 रुपये जिसकी हजरी ज़्यादा हों, जिसकी 26 हजरी होंगी उसकी 452 और कम होंगी तो उसके 300 के नज़दीक पैसे कटते। फिक्स नहीं है पीएफ का मां? कोई फिक्स नहीं। कहाँ से हो आप, कितना टाइम? मैं सो पौड़ी से जी, लखन बाजरा नदी से माँ हूँ, 20 किलोमीटर दूर से। मेरा 100 रुपये तो किराया है और यहाँ पर दिहाड़ी है 237 रुपये। कितना गुजारा करने में दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें बाड़ा ही बाड़ा, मैं तनख्वाह कर क्या कह दूँ, शायद दिन 6 महीने हुए हैं मेरी ने। बताओ परिवार का गुजारा कैसे होगा, क्या ना कैसे क्या रह दूंगा मैं, फिर घर आई नहीं रह लूँगा मैं। बताओ तो उनसे इस बारे में बात की है? सीओ साहब से गए, सीओ साहब ने बोले हमारे पास तुम्हारा कोई रिकॉर्ड नहीं, तुम तो बिहारी हो, लेबर से मतलब सुनरिया सुखपुरा चौक से ले गए 237 में, करना तो करो नहीं अपने घर जाओ, ये सीओ साहब ने हमारे पास कहा था। मम तरीके से बात करते हैं। हाँ और क्या कहते हैं? और जब
वहाँ से ड्यूटी करके आए हैं सुबह 9 बजे, मेरी ड्यूटी 8 बजे लग रही है, वहाँ से आए तो क्या नाम जो ठेकेदार का बंदा है उसने कह दिया अब गेट बंद कर दिया तरा और अपना घर पर रहना। हमने कोर्ट में केस कर दिया, सी विंडो बुला रखी है और अम्बाड़ा अनिल विज के पास जाएंगे, अपना कार्रवाई करेंगे, अपने अकेले तो लड़ना पड़ेगा ना।